जान को गोली लगी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुणाल पर गोली किसने चलाई? अभी कुणाल कहाँ है, कैसा है वो? कुणाल अब ठीक है भैया, वो इस वक्त घर पर ही है। आखिर कौन हो सकता है वो जिसने कुणाल पर गोली चलाई? ये खेल भी उसी नामदेव चौहान का रचा है भैया। कुणाल को इस हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार भी वही है। ये नामदेव चौहान अपनी दुश्मनी निभाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिसकी फितरत में ही दूसरों को दुख पहुंचाना हो भैया, उस इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। नामदेव चौहान कुणाल को मामा बनकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो अपनी काली करतूतों में कामयाब होता, सुधा आंटी उसकी खैस से आजाद हो गई और उन्होंने मुझे उसकी सारी काली करतूतों के बारे में बता दिया। फिर मैं पुलिस को लेकर सही वक्त पर वहां पहुंच गया, जहां नामदेव चौहान कुणाल को अपने प्रॉपर्टी पर साइन करवा रहा था। इसका मतलब इस वक्त नामदेव चौहान पुलिस की हिरासत में है? हां भैया, मैंने भी सोच लिया था, इससे पहले कि नामदेव चौहान अपने घटिया इरादों को अंजाम दे, उसके इरादों का अंत करना ही होगा। आज नामदेव चौहान बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा है। असल में अजय, नामदेव चौहान की जगह जेल की सलाखों के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। तुमने बिल्कुल ठीक किया अजय, नामदेव चौहान को उसके किए की सजा मिलनी ही थी। लेकिन कुणाल अभी कैसा है अजय? वो ठीक तो है ना? हाँ भैया, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। देखो अजय, वक्त हमारे परिवार का साथ दे ना दे, लेकिन अपनों का साथ हर बुरे वक्त को जीत लेता है। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी बुरे वक्त से घबराने की जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, आप ही से तो मुझे दुखों से उबरने की हिम्मत मिलती है। देखो अजय, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी घर पहुंच रहा हूं, ठीक है? जी भैया। ओके अजय, बाय, टेक केयर। ये दरअसल मैं जानती हूँ कुणाल, अजय ने मुझे सब कुछ बताया। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर अजय की जान बचाई, लेकिन कुणाल मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम तो जानते थे ना कि नामदेव तुम्हारा मामा नहीं है, तो तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? तुम अच्छी तरह जानते हो वो नामदेव चौहान अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, फिर तुम नहीं है। बुआ जी, मैं सच तक पहुंचना चाहता था, मैं जानना चाहता था नामदेव का असली मकसद क्या है। आप जानती हैं, नामदेव ने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए मेरा एक्सीडेंट करवा दिया और सारा इल्जाम राधा पर लगवा दिया। बुआ जी, मैं पहले से ही जानता था राधा ऐसा नहीं कर सकती, वो इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती। ये फितरत तो सिर्फ उस नामदेव चौहान की है। मुझे माफ कर दो कुणाल, तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हें समझती हूं, तुम बहुत अच्छे हो, खुश रहो।
पूछ रहा हूं तुमसे, कहां गई थी तुम? वैसे बाय द वे तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम मेरा इंतजार कब से करने लगे? एनीवेज, तुम्हें वैसे नींद नहीं आ रही थी या अब तुम्हें मेरी परवाह होने लगी है? तुम्हारी परवाह? मुझे तो इस घर की परवाह है जिसे तुम्हारी जैसे धोखेबाज बहु नसीब हुई है। कम ऑन रवि, इस समय तुम ये सब। तुमने ठीक कहा देवयानी, वाकई मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इस घर में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन जो साथ में रह रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज मेरे एक दुश्मन को उसकी असली जगह मिल गई है। मतलब क्या है? तुम्हें वाकई नहीं मालूम या हमेशा की तरह नाटक कर रही हो तुम? कम ऑन रवि, बताओ कि सच सच की हुआ क्या है? तो फिर सुनो, तुम्हारा बाप अपनी सही जगह पे पहुंच गया है, यानी जेल की सलाखों के पीछे। क्या? हाँ देवयान, असल में तुम्हारे बाप की वही सही जगह थी जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मतलब डैड जेल में है? बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें, लेकिन उस दुख का क्या जो तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरे परिवार को दिए। तुम्हारा बाप मेरी बहन की आंखों में भी आंसू देकर गया है, उसने कुणाल को अपनी गोली का शिकार बनाया है। आज अगर कुणाल घायल हुआ है तो वह नामदेव चौहान की वजह से। कुणाल के इस हालत का जिम्मेदार नामदेव चौहान ही है देवयानी। जी तो करता है कि तुम्हें इसी वक्त मार डालूं। तुम और तुम्हारा बाप, तुम दोनों हमारे सारे दुखों का कारण हो। क्या चाहते हो तुम लोग? छोड़ो रवि मुझे, छोड़ो रवि, छोड़ो मुझे। अपने इन घटिया इरादों को पूरा करने के लिए आज तक छोड़ ही तो रखा है, कब तसल्ली मिलेगी तुम लोगों को? तो क्या मार डालोगे मुझे? तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता देवयानी। तुम्हारे हिस्से में इतनी जल्दी मौत नहीं आएगी, जो पाप तुमने किए हैं वो तुम्हें भुगतने होंगे। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तुम्हें जीना होगा देवयानी, तुम्हें इसके लिए पश्चाताप करना होगा। एक गुनाहगार को तो सजा मिल चुकी है, लेकिन अब दूसरे गुनाहगार को बहुत जल्द सजा मिलेगी, बहुत जल्द। जरूरी है तो चोट आई है। चलो इस बहाने तुम्हें मेरा ध्यान तो आया। अकेले दर्द को सहने की तो जैसे आदत हो गई है मुझे। बहुत दर्द हो रहा होगा ना, मैं अभी दवा लेकर आती हूं। नहीं नहीं रहने दो, ठीक हो जाएगा। अजय अगर अभी दवा नहीं लगाई तो फिर जख्म गहरा हो जाएगा। तुम आओ बैठो, मैं अभी आती हूं। हुँ?
साल भर जाएगा राधा, लेकिन जो राज मेरे दिल की दीवारों में कैद होकर रह गया, उस राज से पहुंची चोट हर बार दर्द देती है मुझे। नहीं जानता इस दर्द में कितनी सच्चाई छिपी है, लेकिन जितनी बार इस बारे में सोचता हूं, सिर्फ दर्द नसीब होता है मुझे। ज्यादा चोट तो कुणाल को आई है, मेरी जान बचाते वक्त। जिंदगी बचाने के लिए ये वार झेल लिया, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। एक वक्त था जब मैंने उसकी जान बचाई थी, आज उसने मेरी जिंदगी बचाकर मुझे जीने के नए मायने दिए। आज मुझे एहसास हो गया है मेरी बहन की असली खुशी सिर्फ कुणाल है, और इस बात को साबित करने के लिए कुणाल को किसी मौके की जरूरत नहीं है। गुड्डो को उसकी खुशी का साथ जरूर मिलेगा। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, कुणाल और गुड्डो के बीच में ना हो। उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की वजह ना ही बनो,